अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नोबिया मेहदी हूँ। इस वक्त एज अ मैनेजर मेडिकल एजुकेशन और इंचार्ज प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर काम कर रही हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। आज जो यहाँ पे बात करने का मकसद है वो CPR है, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इसका बेसिक मकसद, ये जो CPR की टेक्निक है, इसका बेसिक मकसद ये है कि खून की रवानी को और ऑक्सीजन को बेहतर बनाना उस वक्त में जब किसी शख्स का पल्स भी ना हो और ब्रीदिंग भी ना हो, जिसका मकसद धड़कन भी रुक जाए और सांस भी रुक जाए। ऐसे मरीज़ में आपके पास शुरू में 5 मिनट होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आप सीने के दबाव को जितना जल्दी मुमकिन हो सके कोशिश करके शुरू कर दिया जाए। हर तरबियत याफ्ता शख्स इस अमल को बखूबी सर अंजाम दे सकता है, जिसमें बैरूनी सीने का दबाव और बचाव की सांसें शामिल हैं। 18वीं सदी के शुरू में सिर्फ डूबने वाले अफराद को सिर्फ बचाव की सांसें दी जाती थीं। फिर 1960 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक नया प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर तश्कील में लेके आए, जिसमें एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट जिसमें एडवांस भी शामिल है, और हार्ट सेवर मंथ और लॉट्स मोर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें उन्होंने ऐड ऑन की। अभी हाल ही में उन्होंने एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, जिसका नाम PLSP पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम है। उसका मिशन 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को CPR की ट्रेनिंग से मुतारफ़ करवाना है, और उसमें स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी शामिल हैं, टीचर्स भी शामिल हैं, असातिज़ा को जितना ज़्यादा ट्रेंड कर सकते हैं ताकि वो आगे अपने बच्चों को CPR की ट्रेनिंग में आगे लेकर आएँ। इसी तरह पंजाब के सिंध के निसाब में भी इसको मुतारफ़ कराया जा रहा है, अगले कुछ सालों में इस पर भी काम जारी है। और इस सारे मिशन में आगा खान, NICVD, तब्बा हार्ट, इंडस, चीपा, ईधी और पंजाब से रेस्क्यू 1122 भी हमारे साथ शामिल हैं। और इस प्रोग्राम को मुतारफ़ कराने का मकसद ये था कि शुरू के 5 मिनट जिसमें किसी इंसान की धड़कन रुक जाती है या सांस रुक जाता है, उसके 5 मिनट के शुरू में अगर आपने CPR देना शुरू कर दिया तो उस इंसान का बचाव 90% ज़्यादा मुमकिन है, बजाय उसके कि जिसका 5 मिनट के बाद शुरू किया जाए। तो कोशिश कीजिए अपने प्यारों को बचाओ की तरफ वापसी के लिए अपने घर से ही शुरू करें, वरना आगे चल के उस 5 मिनट के लिए पछताने से बेहतर है कि आप वक्त पे ये CPR सीख लें। अब हम आपको दिखाएंगे कि CPR और सांस देने का अमल किस तरह से किया जाता है। इस कोरोना के दौर में सांस देने के अमल को शायद आप छोड़ दें, लेकिन कंप्रेशन को आप नहीं छोड़ सकते। ये वो ज़रूरी एलिमेंट है या वो ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से खून की रवानी बरकरार रखने में मदद मिलती है। ये वो बैरूनी सीना दबाने का अमल और बचाव की सांस का वो अमल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। 30 कंप्रेशंस यानी 30 दफ़ा आप सीने को दबाएंगे और 2 दफ़ा आप सांस देंगे। किस तरह से देंगे वो अभी आगे हम दिखाएंगे। सर को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से थामेंगे और 2 दफ़ा फूंक मारेंगे अगर ये मास्क आपके पास हो, और अगर ये मास्क आपके पास मौजूद नहीं है तो नाक को ज़ोर से दबा के ऊपर की तरफ करेंगे और मुंह से मुंह लगा के 1 दफ़ा और फिर 2री दफ़ा सांस के अमल को रवां करने की कोशिश करेंगे, और फिर दोबारा से 30 कंप्रेशन की तरफ आ जाएंगे, मतलब 30 दफ़ा सीने को दबाएंगे, और ये अमल तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी दूसरी मदद ना आ जाए। याद रखिए, जब बचाव की सांसें आप देंगे तो वो 10 सेकंड से ज़्यादा का अरसा ना गुजरने पाए और वापस आप कंप्रेशन पे आ जाएं। बैरूनी सीने को दबाने के अमल को शुरू करने के लिए हाथ का ये हिस्सा, सबसे पहले आपने सीने के बीच में निचले हिस्से पे 2 निपल्स के बीच में रखना है, उसके ऊपर दूसरा हाथ इस तरह रखना है कि वो लॉक हो जाए। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, प्रेशर आपका आपके कंधों पे से जाएगा और आपने उसको उसी तरह से दबाना है कि जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही वापस ऊपर आए। ओके, जैसे कि नाज़रीन आपने देखा
कि कितनी थोड़ी सी मेहनत से आप किसी इंसान को बचाव की तरफ लेके आ सकते हैं। कोशिश कीजिए, ख़ुद भी सीखिए और अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको भी सिखाने की तरफ रागिब कीजिए। बहुत शुक्रिया।